हेलो हेलो हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ क्वर्की वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी सनग्लासेस कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। मैंने सोचा कि एक डिज़ाइनर या फिर नॉर्मल जो भी सनग्लासेस मैंने अपनी लाइफ में अक्यूमुलेट किए हैं वो अलग अलग कॉन्टेंट आइडियाज़ बनाने से अच्छा बैठ के आराम से आप लोगों के साथ चिल किया जाए और बताया जाए कि कौन से सनग्लासेस की मेरी कलेक्शन है, सारे ही इसमें इंक्लूडेड होंगे। एज मोस्ट ऑफ यू गाइज नो, आई एम सुपर बिग ऑन सनग्लासेस। इवन बिफोर आई स्टार्टेड अर्निंग मनी, जब भी मैं पहले पॉकेट मनी लेके सरोजनी नगर जाया करती थी तब भी आई मेड श्योर कि मैं एक पेयर ऑफ सनग्लास तो जरूर लाऊं बिकॉज मुझे उसमें कूल लगना बहुत ज्यादा पसंद है। एंड मोर देन वेयरिंग द सनग्लासेस, मुझे ऐसे ऊपर डाल के हीरोइन बनने में बहुत मजा आता है। सो आई होप यू गाइस आर एक्साइटेड टू सी माय सनग्लासेस कलेक्शन। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद माय सरोजनी सनग्लास कलेक्शन। फर्स्ट, मैंने बहुत सारे सनग्लासेस एक्चुअली लिए थे बट ओवर टाइम एंड इतने घर शिफ्ट करते करते मैंने ज़्यादातर सनग्लासेस निकाल लिया एंड आई ओनली पिक्ड द वंस दैट आई रियली लाइक टू वेयर ऑन एन एवरीडे बेसिस। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द स्मॉलर वंस। दिस इज द फर्स्ट वन दैट आई गॉट। आई रियली लाइक टिंटेड सनग्लासेस एंड दिस इज द फर्स्ट वन। ये ओवर टाइम ना थोड़ा टेढ़ा हो गया है, मतलब ये 100-200 रुपए के जो सनग्लासेस होते हैं उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती एंड इतना ज़्यादा सन प्रोटेक्शन भी नहीं होता है। कुछ लोग तो मुझे ये भी बोलते हैं कि इससे आई साइड खराब हो जाती है ये वो, बट उस टाइम जो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी और मुझे कूल दिखना वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी, तो मैंने ये ले लिए थे एंड आई रियली लाइक दिस ग्रीन कलर। इट लोकी लुक्स ब्राउन एंड आप देख सकते हो ऐसे ब्राउन, ब्लैक टोन्स, इवन व्हाइट आउटफिट सबके साथ टिंटेड सनग्लासेस चल जाते हैं। आई रियली लाइक दिस एंड इनको थोड़ा ऐसे नीचे करके पहनो ना तो और ज्यादा मिस ब्रिगेंजा सॉर्ट ऑफ वाइब आती है। द नेक्स्ट वंस आर ऑल्सो इन अ ग्रीन सॉर्ट ऑफ टिंट बट ये थोड़े से ऐसे ना लंबे ओवल में जाते हैं, ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। लाइक लुक हाउ कूल दे आर एंड इसका जो मेटालिक टोन है ना वो थोड़ा सा शैम्पेन गोल्ड टाइप की साइड में जाता है, क्योंकि मैं ज्यादातर गोल्ड टोन्स की ज्वेलरी पहनती हूँ, उस टाइप की वाइब के साथ ये बहुत ज्यादा मैच करते हैं। आई रियली लाइक जब जैसे चश्मा होता है ना उसके जैसे यहाँ पे ये छोटे गोल गोल से लगे होते हैं, उससे मेकअप खराब नहीं होता है, सिर्फ यहाँ कॉर्नर्स, इनर कॉर्नर्स की साइड में एंड दे लुक सुपर डुपर क्लासी। नो वन कैन टेल कि आपने 100 रुपए के लिए जनपद या सरोजनी मार्केट से एंड इट इज जस्ट सो अमेजिंग। आई थिंक द नेक्स्ट वन इज द ओल्डेस्ट शेड आई हैव। दिस इज अ बिग वन। पहले मुझे ऐसे ओवरसाइज सनग्लासेस का बहुत ज्यादा शौक होता था एंड ये काइंड ऑफ यूनिसेक्स है। मैंने ज्यादातर कबीर सिंह के टाइम पे लड़कों को ऐसे सनग्लासेस पहने देखा था बट मुझे अपने लिए भी ये बहुत अच्छे लगे। आई थिंक दिस काइंड ऑफ सनग्लास रिक्वायर्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ आउटफिट वेयर इन यूर वेयरिंग अ लेदर जैकेट या फिर थोड़ी रॉक चिक सॉर्ट ऑफ टफ वाइब होती है ऑल ब्लैक आउटफिट्स एंड ऑल, सो उसके साथ ये बहुत अच्छे जाते हैं। नॉनदलेस आई रियली लाइक दैट इसकी साइड में ऐसे एक्सटेंडेड सी रिम दी गई है जिससे ना साइड में भी थोड़ी प्रोटेक्शन मिलती है। जस्ट लुक एट दिस फ्रॉम द साइड, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, मैंने इनको बहुत टाइम से नहीं पहना है। देन आई हैव अनदर वन, आई थिंक ये मुझे मिस्ट्री बॉक्स में मृदुल ने दिया था या फिर मैंने खुद ही लिया था, आई डोंट रिमेंबर, बट ये भी एक टाइम था जब ऐसे विनाइल क्लियर सनग्लासेस जो पूल पार्टी में पहने जाते हैं ना वैसे टाइप के बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने इन्हें अपनी स्पेसिफिकली बीच वेकेशन के लिए ही सेव करके रखा हुआ है बिकॉज दे लुक सो कूल एंड वॉटरी एंड एक्वा टाइप की वाइब है। नेक्स्ट सनग्लासेस आर फ्रॉम अर्बैनिक। आई रियली लाइक दिस वन। ये मेरे प्राडा के सनग्लासेस के ड्यूप है। जब प्राडा का मैंने एक ऐसा ही, आप लोगों को पता होगा मैंने बहुत सारी वीडियोज में, इवन आई ट्रेवल्स जब मैं लद्दाख और जापान स्पेसिफिकली गई थी, ऐसे टाइप के सनग्लासेस मैंने प्राडा के अपने पहने थे एंड यू गाइज ऑलवेज यूज टू आस्क मी कि आपने कहां से लिए एंड दो प्राडा इज अमेजिंग एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी है उसकी, बट आई रियली फील लाइक इतना खर्चा करना अच्छा नहीं है। ज्यादातर लोग थोड़ा हिचकिचाएंगे इतने महंगे सनग्लासेस लेने में, आई मीन इट इज नॉट अ नेसेसिटी इन योर लाइफ, सो दैट इज वाई आई हैव एन ऑल्टरनेटिव। ऐसे वाले सनग्लासेस अमेजोन पे भी अभी बहुत अवेलेबल है, आई थिंक मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अर्बैनिक, मीशो, इवन हर साइट पे ऐसे टाइप के सनग्लासेस बहुत इजिली अवेलेबल है। द ओनली थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस इज दैट ये वाला कुछ ज्यादा ही ब्रॉड है। मुझे पसंद है थोड़ा मिड साइज हो, ये साइड के जो होते हैं ना इनको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट आगे से ये बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक ये वाले कुछ 400-500 रुपए के थे या मैक्स टू मैक्स 750 मैंने इसके लिए पे किए होंगे, बट दीज आर सुपर डुपर क्यूट। आप लोग एक पैटर्न देख रहे होंगे, अभी तक जितने भी सनग्लासेस मैंने आपको दिखाया ना वो सारे ब्लैक या सिल्वर या थोड़े मेटालिक रिम में थे एंड जब मैंने थोड़े बहुत अपनी लाइफ में पैसे अर्न करने स्टार्ट किया, आई वॉन्टेड टू ट्राई न्यू ब्रांड्स, तो मैं ऑल्डो गई। दैट इज वेयर आई गॉट दीज सनग्लासेस फ्रॉम। ये थोड़े से कैट आई इफेक्ट में है एंड आई लव कैट आई की शेप ऑन मी। जिन लोगों के चबी चीक्स होते हैं ना उनके ऊपर ऐसे एंगुलर वाले सनग्लासेस बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं एंड लुक एट दिस, ये इतने प्यारे ब्राउन से कलर में है, ऐसे न्यूडी पटूटी से, लाइक मेरी लिपस्टिक से बिल्कुल अभी मैच कर रहे हैं एंड आई रियली लाइक देम। आई थिंक वी अंडर एस्टिमेट ऑल्डो एज अ ब्रांड, क्योंकि उनके सनग्लासेस एंड एक्सेसरीज की जो कलेक्शन है वो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है एंड यहाँ साइड में छोटा सा ऑल्डो भी लिखा हुआ आता है विच आई लाइक। आई डोंट लाइक जो बहुत ज्यादा स्क्रीम कर रहे हो ना ब्रांड का नेम इन टर्म्स ऑफ माई सनग्लासेस, तो मुझे ऐसी मिनिमल लुक बहुत ज्यादा पसंद है। आई ऑलवेज फील स्नैच्ड एज सून एज आई वेयर देम, मुझे एकदम ऐसे लिफ्टेड इफेक्ट आता है। इफ यू वॉन्ट टू नो कि आपके फेस
फेस शेप पे कौन से सनग्लासेस एंड ग्लासेस सूट करते हैं, कैसे आपको अपना फ्रेम सिलेक्ट करना चाहिए. आई डू हैव अ वीडियो जो मैंने बहुत सालों पहले बनाई थी, आई विल पॉप इट ऊपर एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगी. हियर इज द थंबनेल, गो फाइंड इट एंड आपको बहुत अच्छी लगेगी बिकॉज आई थिंक इट इज रेलेवेंट स्टिल टू दिस डे. एंड लेट मी नो आप लोगों को कैसी लगी वो वीडियो, देन कम बैक एंड एंजॉय मोर सनग्लासेस कलेक्शन. नेक्स्ट सनग्लासेस आर माय ओनली एंड लास्ट पेयर फ्रॉम Ray-Bans एंड ये गिफ्टेड थे. आई डोंट नो किसी ब्रांड ने ना मुझे कोई PR पैकेज भेजा था, उसमें से एक चीज ये निकली थी एंड आई वाज सुपर शॉक कि किसी ने मुझे Ray-Ban के सनग्लासेस PR के डब्बे में भेज दिया एंड इट इज नॉट इवन फ्रॉम Ray-Bans. बट इस ब्रांड के जो एविएटर्स होते हैं ना वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, एकदम ऐसे बाइकर चिक वाइब्स आती है. बट मुझे ये मिले, ये अभी तक पैक्ड है बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि ये शेप मेरे पे कैसे सूट करती है. सो अभी मैंने पन्नी के साथ इसको रखा हुआ है बिकॉज आई वॉन्ट टू सेल देम और गिफ्टेड टू समवन. This doesn't make me feel anything about myself. I don't feel like a cool chick. I don't feel anything about it. Let me know in the comments down below कि ये मुझे रखने चाहिए या बेच देने चाहिए, किसी को गिफ्ट कर देने चाहिए, whatever it is. अभी एक बार आप लोगों के सामने लाइव मैंने पहन के एग्जाम्पल के लिए दिखाया है एंड when यू सी इसको पास से ना इसमें बहुत प्यारा सा ऐसे इफेक्ट आ रहा है एंड प्रिंट सा है. इसको टॉर्टोइस शेल बोलते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड ये काफी ज्यादा प्रिटी लगता है. बट द ओनली प्रॉब्लम आई हैव विद दिस इज द शेप. आई डोंट फील लाइक ऐसे स्क्वायर टाइप के शेड्स मुझे सूट करते हैं. आई नीड अ लिटल एंगल और आई नीड समथिंग लाइक थोड़ा एजी या राउंडी, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए बिकॉज दे आर टू सिंपल फॉर मी. कमिंग टू माई डिजाइनर सनग्लासेस कलेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाने से भी पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी. आई वॉज नॉट बॉर्न इन अ फिल्थी रिच फैमिली. आई हैव क्रॉल्ड माई वे टू द टॉप. अभी भी मुझे पता नहीं है मैं टॉप पे हूं या नहीं हूं, बट आई हैव मैनेज to make a very good life for myself and हर जो चीज आप देख रहे हो ये मैंने खुद के पैसे से खुद अर्न करके खुद मेहनत करके परचेज की है. इन सारे परचेजेस में आप लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है जिन्होंने मेरी वीडियो इन द फर्स्ट प्लेस देखी एंड मेरे कॉन्टेंट को प्यार किया और उस चीज से हैंसफोर्थ मैं ये लाइफ स्टाइल अफोर्ड कर पाई हूँ. सो थैंक्स टू यू गाइज मैं ये वीडियो भी आज बना पा रही हूँ. इट इज लाइक अ ड्रीम टू मी. सो बाय दिस वीडियो आई एम नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ के देखो मेरे पास कितनी ज्यादा लग्जरी चीजें हैं. इट इज जस्ट समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर बिकॉज यू गाइज लव माई सनग्लासेस, ट्रस्ट मी. और बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन videos आती जाएंगी इस साल. I have a whole plan. But yeah, let's start off with the first pair of sunglasses that I got. It is from Prada and a thing about me, my favorite brand in the world is Prada. उसके बाद Dior आता है, उसके बाद कोई और ब्रांड आएगा. बट जब से मैंने Devil Wears Prada मूवी देखी है ना, एक तो मेरी बाहर की जो भी फॉरन मूवीज है उनमें से सबसे फेवरेट मूवी इज Devil Wears Prada. एंड तब से मेरा मन था जब मैं पहले अपने सनग्लासेस लूंगी दे हैव टू बी Prada. एंड ये वाला चश्मा आई थिंक ये भी टॉर्टोइस शेल वाले ही हैं बट इसमें थोड़ा सा कलरफुल प्रिंट है. बिकॉज मेरे पहले सनग्लासेस थे तो मैं कुछ अतरंगी भी लेना चाहती थी बट एट द सेम टाइम मैं इतना ज्यादा लाउड एंड OTT नहीं जाना चाहती थी कि एकदम से मैं वैक लगूं एंड इसको मेजोरिटी ऑफ चीजों के साथ पेयर ना कर पाऊं. सो इफ यू गाइस सी दिस आउटफिट एंड अगर मैं इसको इसके साथ पहनूं तब भी ये बहुत अच्छे लगते हैं. ओवर टाइम ना ये मेरे फेस पे बहुत लूज हो गए हैं सो आई प्रोबेबली नीड टू गेट इट चेक्ड या फिर मैं इसको थोड़ा सा इसके नट्स अंदर से टाइट कराना चाहती हूँ मेरे फेस से ऐसे ढिलक ना जाए लूज होके. बिकॉज ये ईशान ने भी बहुत मेरे से चुरा चुरा के पहने हैं. लाइक मैं ट्रिप पे ये लाती हूँ और वो मेरे से लेके पहन लेता है. यहाँ से ये ऐसे स्क्वेयरिश शेप में है बट अगेन ये थोड़े से ऐसे एंगल टेढ़े में जाते हैं सो दैट इज व्हाई इट सूट्स माय चबी फेस. आई अंडरस्टैंड के एक बंदे को मन हो सकता है लग्जरी चीजें लेने का, डिजाइनर चीजें लेने का, बट उनके साथ जब एक सेंटिमेंटल वैल्यू जुड़ी होती है, जब आप अपनी पूरी फैमिली को लेके जाते हो, कॉन्टेम्पलेट करते हो कौन सा लू कौन सा ना लू, इट इज लाइक अ होल इवेंट. तो बहुत अच्छा लगता है एंड दैट इज वाई जब भी मैं इनको देखती हूँ मेरे मन में एक ऐसे खुशी सी एंड मेरे फेस में स्माइल सी आ जाती है. इट जस्ट मेक्स माई हार्ट वेरी वेरी हैप्पी. ये वाले बहुत ज्यादा प्रिटी एंड क्यूट लगते हैं एंड इवन ऐसे टाइप के जूड़े के साथ भी ये लुक्स बहुत अच्छी लगती है. द नेक्स्ट वंस आर अगेन फ्रॉम Prada. आई हैव टू सनग्लासेस एंड ये वाले मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट है. लाइक टू दिस डे मैं कहीं जाती हूँ आई लाइक टू कैरी दीज एंड इनमें अब इतने स्क्रैचेस लग चुके हैं बिकॉज ये मेरे साथ पहाड़ों पे, स्नो पे, बारिश में हर जगह चल चुके हैं एंड मैं इनको हमेशा पहनती हूँ. वेन एवर आई एम फीलिंग लाइक मुझे सनग्लासेस पहने बट आई एम नॉट फीलिंग टू कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, मैं ये वाले सनग्लासेस पहनती हूँ. इसके साथ पाउच भी आता है, साथ में वो क्लीनिंग क्लॉथ वगैरह भी देते हैं. बट आई रियली लाइक टू कैरी माई सनग्लासेस इन दिस सॉर्ट ऑफ अ पाउच जो थोड़ा सा कुशनी भी हो एंड कितना प्यारा सा शाइनी सिल्की मटेरियल लग रहा है ये. सो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू गाइज नो कि ये वाले सनग्लासेस मुझे सबसे ज्यादा पसंद है. ओ माई गॉड, जैसे मैं इसको पहनती हूँ मेरे दिमाग में वो वाला गाना जो रील्स पे फेमस नहीं होगा, माई मनी डोंट जिगल जिगल इट, पता नहीं क्या, बट ये वाला बिल्कुल मेरे को एज ए गैंगस्टर वाइब देता है. एंड जो अर्बेनिक के मैं सनग्लासेस आपको दिखा रही थी ना वो इसी का थोड़ा सा ड्यूप है लाइक यू गाइस कैन सी. एंड दीज आर लाइक नो BS नो फर्स्ट सनग्लासेस, लाइक बिल्कुल ऑल ब्लैक है, थोड़ा सा शाइनी मटेरियल है, यहाँ पे ब्रांड हल्का सा लिखा हुआ है जो भी उनका लोगो है Prada का. एंड अगर आप पास से देखोगे ना इसमें थोड़ी सी 3D वाइब है, लाइक अंदर से ऐसी नक्काशियां की गई है. एंड ये भी ईशान ने बहुत ज्यादा पहने बट इनकी क्वालिटी आई
थिंक पहले वाले प्राडा से ज्यादा सॉलिड है बिकॉज ये ब्रॉड नहीं हुए एंड दे स्टिल फिट माई फेस सो ब्यूटिफुली. द नेक्स्ट पेयर ऑफ सनग्लासेस आर फ्रॉम शनेल. ये मैंने थर्ड पेयर लिया था. आई थिंक कुछ स्पेशल हुआ था मेरी लाइफ में, मुझे याद नहीं है, बट कुछ तो आई थिंक आई हिट अ माइलस्टोन और यूट्यूब और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट जो मैंने ये लिया था या मेरे मॉम डैड ने लेकर दिया था, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता है. लाइक माई आइडिया ऑफ टाइम एंड कब क्या हुआ था इज टोटली वॉब्ड. आई डोंट रिमेंबर. एंड ये इसका केस है, वेरी मिनिमल. यहाँ पे शनेल लिखा हुआ है एंड यहाँ पे पीछे से क्विल्टेड सा इफेक्ट है. ये वाला क्विल्टेड इफेक्ट शनेल के आपके बैग्स में बहुत ज्यादा मिल जाएगा बट वो तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. देन अगर आप इसको खोलोगे यहाँ पे एक वेलवेटी सा इफेक्ट है. आई रियली लव जब ब्रांड्स अपने केसेस में छोटी छोटी चीजें जो मेन प्रोडक्ट के अलावा होती है उसमें भी काफी ज्यादा यू नो वो लग्जरी की फील आप लोगों को देते हैं. सो इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये भी थोड़ा ऐसे राउंडेड कैट आई है जो मेरे फेस पे बहुत अच्छी तरह सूट करता है. एंड दीज आर पोलराइड सनग्लासेस. तो जैसे मैं इसको पहनती हूँ मैं अपने आप को व्यू फाइंडर में बिल्कुल भी नहीं देख पा रही, द स्क्रीन इज ब्लैक. सो पोलराइड जो सनग्लासेस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होते हैं. दे हैव मोर प्रोटेक्शन एंड थोड़ा सा ये शाइनी भी है विच मेक्स इट वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड एलिगेंट. एंड आई रियली लाइक दैट इसमें जो ये लोगो लगा हुआ है शनेल का सीसी वाला वो बहुत ज्यादा मिनिमल है. लाइक यू कैन इवन मिस इट. सो इट डजंट स्क्रीम लग्जरी बट वेन यू वेयर इट आपको इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है. अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे करके पहनो तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखा हुआ शनेल दिखेगा विच इज अगेन सो नाइस. दिस हैज ऑल द टोन्स ऑफ ब्राउन, लाइक ऐसा न्यूड बेज, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, सब कुछ है इसमें. एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट सनग्लासेस. द ओनली थिंग इज दैट ये मेरे मेकअप के आगे इतनी बड़ी लाइन छोड़ जाता है बिकॉज मेरे गाल चब्बी है ना, तो यहाँ पे ये ऐसे अटक जाता है. एंड देन जब मैं पूरी रेडी होती हूँ, कहीं जा रही होती हूँ, जब मुझे मेन प्लेस पे पहुंचना होता है एंड आई पुट दिस डाउन, इतनी लंबी लाइनें होती है यहाँ पे. सो दैट इज वाई इसको पहनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. प्लीज कीप इन माइंड अगर आपके मेरी तरह ऐसे चबी एंड एप्पल चीक्स हैं तो ये आपके मेकअप को आधी लाइन यहाँ पे बना के हटा सकता है ना. जब मैं शनेल के सनग्लासेस लेने गई थी ना, वहां पे मैंने ये वाले सनग्लासेस भी देखे थे फ्रॉम गुची. दोनों में से बड़ी दुविधा थी यार कि कौन सा लू कौन सा ना लू. बट देन आई कुडंट गेट दीज आउट ऑफ माई हेड. तो मैंने फिर से साउथ एक्स में जेम ऑप्टिशियंस वालों को फोन किया टू बाय दिस एंड उस टाइम ये आउट ऑफ स्टॉक हो गए. तो उन्होंने बोला कि 15-20 दिन में ये फिर से हम ले आएंगे if you are planning to buy it. So this is what the packaging is Gucci ke case ki and ye bhi bahut hi pyare shape mein hai. I don't know what to call it. Is it cat eye? Is it square? Is it round? What is it? I don't know. ये मेरा एक cheap thrill है कि जब मेरे को पहन के ऐसे अपने आप से कुछ मैडम बुर्गेंजा वाली वाइब आए ना तो बहुत अच्छा लगता है. एंड आई फील लाइक दीज जस्ट रियली सूट माई फेस अ लॉट. इनका भी थोड़ा अपलिफ्टेड सा लुक है. लाइक आप देखोगे ये जो फ्रेम के साइड से डंडी जा रही है ना वो थोड़ी ऊपर को ऐसे जा रही है स्लांट होती हुई. इट मैचेज विद मोस्ट ऑफ माई गोल्ड टोन ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज. द ओनली थिंग इज दैट जब ये पहले आया था ना मैं इसको लूज कराना भूल गई थी तो ये काफी टाइट था मेरे फेस पे. एंड ये जो बड़ा साइज का है ना आई डोंट नो वॉट इट्स कॉल्ड बट ये मेरे पीछे यहाँ पे चुभता रहता था बिकॉज मेरा सिर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है. दिस इज अ प्रॉब्लम विद मी एंड माई मॉम. हम लोगों के हेड्स बहुत सेंसिटिव है. टू दिस डे अगर कोई मेरे को ऐसे टपली मार देना तो मैं रोना शुरू हो जाती हूँ. आई डोंट नो इट्स अ ट्रिगर फॉर मी एंड मेरे सिर पे कोई कुछ नहीं कर सकता. तभी मैं विंटर के टाइम पे ज्यादा हैट्स भी नहीं पहनती हूँ बिकॉज यहाँ की नसें इतनी कमजोर है, मेरे बालों की रूट्स दर्द होनी शुरू हो जाती है. सो आई रियली हैव टू बी केयरफुल विद इट. एंड देन मैं फिर वापस गई जाके इसको लूज कराया एंड नाउ इट्स टोटली फाइन. इफ यू गाइस सी क्लोजली इसके अंदर एक ऑम्ब्रे सॉर्ट ऑफ इफेक्ट है. ऊपर जाते हुए डार्क हो जाता है, नीचे से ये लाइट है. एंड ये भी बहुत एक कूल एलिमेंट होता है. अगेन दीज सनग्लासेस आर ऑल्सो द टाइप जो यहाँ से आपका मेकअप थोड़ा सा रिमूव कर दे बट नॉट एज मच एज द शनेल वन. दिस इज द वन दैट आई गॉट. इट्स फ्रॉम बर्बरी. इसकी पैकेजिंग काफी ज्यादा मिनिमल है, लाइक नथिंग टू फैंसी अबाउट इट. एंड बर्बरी के ज्यादातर सनग्लासेस ब्राउन टोन्स में या ब्लैक टोन्स में ही होते हैं बट उस टाइम पे जब मैं लेने गई थी बहुत ज्यादा पसंद आए थे. अगेन बर्बरी एंड गुची का सेम ही हाल है. ऐसे गंदे से पतले से ये पाउच दे दिए हैं जिसमें अगर मैं ग्लास के ऊपर बैठ गई तो वो टूट जाएगा. सो आई रियली डोंट वॉन्ट के ऐसे टाइप के पाउचेस दिए जाए. प्लीज इफ एनी वन इज लिसनिंग गिव अस बेटर पाउचेस फॉर आर सनग्लासेस. देन दिस इज द केस. ये भी थोड़ा फ्लिमजी सा है, ऐसे हार्ड केस नहीं है, ये ऐसा सा स्क्विशी सा है. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. ये ऐसे कुछ करके खुलता है. यहाँ पे भी आपको थोड़ी वेलवेटी सी फील दी हुई है. अगेन द क्लॉथ एंड दीज आर द सनग्लासेस दैट आई गॉट. दे गिव मी सच अ रोबोट काइंड ऑफ लुक. उस टाइम पे ना किम कार्डशियन आई थिंक ऐसे टाइप के बेलेंसियागा के कुछ सनग्लासेस पहन रही थी एंड मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छे लगे इस आउटफिट के साथ. ये बहुत ही बकवास, बहुत ही गंदे लग रहे हैं आई नो, बट And paired with the right outfit, I feel like I can make this work. And यहाँ पे भी अच्छा सा white effect दिया हुआ है. यहाँ पे brand का नाम minimal लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा scream नहीं करता है, which I definitely like and prefer for my sunglasses. But अगर आप इसको पास से देखोगे, I don't know if it's showing, but यहाँ पे Burberry लिखा आता है sunglasses के ऊपर. अब जब इसको पहनते हो तो बिल्कुल कुछ पता नहीं चलता, आपको normally दिखता है. And once again, these are the kind of sunglasses जो बहुत soothing है eyes पे. Like कोई भी harsh light आपको touch नहीं कर पाती है, and your eyes feel so protected. Also, guys, मैं इन सारे जितने brands के नाम बोल
बोल रही हूँ, ये सिर्फ नाम ही नाम है. आई एम वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट एक ही पेरेंट कंपनी होती है जो आई थिंक ऑन कमीशन इन सारे लग्जरी ब्रांड्स के लिए सनग्लासेस बनाती है. सो इसमें सिर्फ ब्रांड का ठप्पा होता है और कुछ नहीं होता. ऐसा नहीं है कि गुची अपने जाके अलग बना रहे हैं, शनेल अलग बना रहे हैं अपने वेयर हाउस में, ऐसा कुछ नहीं है. एक ही कंपनी बनाती है और अलग अलग ब्रांड्स के ठप्पे लग जाते हैं. व्हेन इट कम्स टू बैग्स इट्स अ डिफरेंट केस, क्योंकि उनकी क्राफ्ट्समैनशिप ज्यादातर बैग्स में ही दिखती है. बट ये सनग्लासेस का इतना एक्सपेंसिव होना इज आई थिंक अ स्कैम. मेरे को ना शौक चढ़ गया है तो फिर आई एम लाइक अब लेना ही पड़ेगा. नाउ दीज आर द सनग्लासेस जो आई डेफिनेटली रिमेंबर कि मेरे मॉम डैड ने मुझे लेके दिए थे. हमेशा बर्थडे के टाइम पे जब भी कोई जैसे डॉटर्स डे वगैरह ऐसा कुछ होता है, मेरे मॉम डैड एक साल पहले से सेव करने लग जाते हैं जो भी घर खर्ची होती है उसमें से, एंड देन दे अक्यूमुलेट अपनी अपनी साइड के पैसे एंड वो मुझे कुछ ना कुछ अच्छा लेके देते हैं. इट डजंट हैव टू बी लग्जरी, इट कैन बी एन एक्सपीरियंस, इट कैन बी लाइक कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन अ ट्रिप दैट आई एम गोइंग टू. ये बर्बरी जैसा ही थोड़ा केस है बट इट इज काइंड ऑफ अ हार्ड केस. ये बहुत ज्यादा स्क्विशी एंड फ्लिम्सी नहीं है एंड यहाँ पे इसके आगे क्रिश्चियन डियोर बड़ा अच्छा सा लिखा हुआ है. दिस इज व्हाट द केस लुक्स लाइक. इसके अंदर आपको यहाँ से एक क्लीनिंग क्लॉथ तो मिलेगा ही, बट वंस अगेन मैंने एक व्हाइट कलर के सनग्लासेस ले लिए. आई डोंट नो गाइज, लाइक जो ब्रांड जिस चीज़ के लिए फेमस होता है ना, मुझे उससे अलग जाने का मन करता है हमेशा, कुछ हटके लेने का. सो दैट इज व्हाई आई गॉट दीज. उस टाइम आई वाज जस्ट ऑब्सेस्ड विद, आई डोंट नो, मैंने कोई मूवी देखी थी जिसमें एक बंदी ने क्रूज पे ऐसे सनग्लासेस पहने हुए थे, ऐसे नेवी ब्लू का कॉम्बिनेशन, वो बहुत ही ज्यादा ये प्यारा है. यहाँ पे ब्रांड का नाम लिखा हुआ है. ये थोड़ा ओटीटी है मेरे लिए, अगर ये छोटा लिखा होता तो आई वुड हैव प्रेफर्ड इट मोर. यहाँ पे भी बहुत प्यारे प्यारे ऐसे स्टार्स से बने हुए हैं. It was a big deal to me कि मेरे parents ने मुझे लेके दिया था, because I you never expect from your parents कि आपको इतनी बड़ी बड़ी चीजें वो collect करके लेके दे. But I am very very grateful. मुझे पता है मेरे mom dad जैसे video अभी 11 बजे गई होगी देख रहे होंगे मेरी video, so thank you mummy papa. So yeah, this is what they look like. The biggest regret in terms of sunglasses, these are from Burberry and ये मैंने second hand लिए थे, because इस point पे मैं pre-owned luxury वगैरह में venture करना चाहती थी and मेरे सामने बहुत सारे again Instagram पे sponsored post आ रहे थे from this site called Zenusa and उनसे मैंने बाय किया. दीज आर द कैट आई सॉर्ट ऑफ सनग्लासेस दैट आई गॉट. जो टिपिकल बर्बरी का डिजाइन एंड प्रिंट होता है वो यहाँ पे दिया गया है, ऐसे ब्राउन विद लाइंस एंड चेक्स, बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है. बट आई फील लाइक ये बच्चों के सनग्लासेस है. लाइक लुक एट दिस, ये इतना छोटा, इसके अंदर से मेरे को अपना स्ट्रेच करके फेस घुसाने में ऐसा लगता है कि मैं इसको तोड़ दूंगी. एंड दे आर सो टाइट ऑन माई फेस, तो मेरे को किसी को दिखाना पड़ेगा ये जाके किसी सनग्लासेस की शॉप में कि इफ दे कैन लूजन इट फॉर मी, बिकॉज दिस इज टू डैम टाइट. लाइक मुझे इसको पहनने में ही इतना बड़ा ये स्ट्रगल है. एंड देन आपको मैंने बताया था कि मेरा जो हेड है वो बहुत सेंसिटिव है, तो ये वाली जो लाइन है ये इतनी ज्यादा मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा दबाती है कि मेरे को दर्द हो जाता है. होप यू गाइस कैन सी, यहाँ पे पूरी लग रही है एंड दोनों साइड से ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे फेस को ऐसे बस दबा देना चाहता है दो दीवारों के अंदर. सो बहुत बड़ा रिग्रेट है ये मेरे लिए. दिस इज द ओनली पेयर जो मैंने ऑनलाइन देख के मंगाया था, खुद जाके फिजिकली स्टोर पे ट्राई नहीं किया था. एंड आई फील लाइक दिस वॉज, इवन दो ये प्री लव था एंड ये मुझे अच्छे खासे दाम पे मिल गया, फिर भी मैं उतने पैसे खर्च करना भी इस पे बहुत रिग्रेट करती हूँ. लास्ट पेयर आई वांट टू शो यू गाइस, आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड विद इट. एंड मैं ऑब्सेस्ड वर्ड ना बिल्कुल लाइटली यूज नहीं कर रही हूँ. मैंने किसी भी सनग्लास के बारे में ये नहीं बोला कि आई एम ऑब्सेस्ड विद इट, बट आई ट्रूली एम. सो आई वेंट टू सनग्लास हट मेरे घर के पास मॉल में एंड वहां मैं किसी के लिए गिफ्ट लेने गई थी. बट क्योंकि वहां पे सेल लग रही थी, मुझे पता नहीं था सेल है, बट सेल लगी हुई थी एंड स्पेशली बुल्गारी के सनग्लासेस पे 40-50% ऑफ था. बट देन माय मॉम वाज लाइक मेरी तरफ से वैलेंटाइंस गिफ्ट हो जाएगा. सो देन आई वाज लाइक ओके, मैं एनीवे किसी के लिए खर्च रही थी, सो आई वॉज लाइक ठीक है खर्चा कम होगा. बट आई वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग द क्वालिटी, द लग्जरी जो आपको फील आती है बुल्गारी के सनग्लासेस खोलने में, इट इज समथिंग वेरी डिफरेंट. ये जो सनग्लासेस है उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, इनका डब्बा इतना अच्छा है, केस इतना अच्छा है, इवन द क्लॉथ जो साफ करने का होता है ना शीशे को, ओ माई गॉड इट इज अमेजिंग. इसकी अनबॉक्सिंग इज अप ऑन माई इंस्टाग्राम, सो डेफिनेटली फॉलो मी देयर फॉर मोर अनबॉक्सिंग. सो लेट मी जस्ट शो यू गाइज क्या है इसके अंदर. इतनी बड़बड़ कर लिया, दिखाया एक भी चीज नहीं है. बट या दिस इज द केस दैट इट कम्स इन, वेरी वेरी प्रिटी, वेरी सॉफ्ट, लाइक मखमली सी वाइब है इसकी. एंड क्योंकि ये वैलेंटाइंस गिफ्ट है, इट हैड टू बी इन द कलर दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस वैलेंटाइंस एंड द क्रिसमस सीजन, विच इज चेरी रेड, ऐसे टाइप का वाइन मरूनिश कलर. आई डोंट थिंक आई हैव अ लग्जरी सनग्लास जिसकी इतनी पतली डंडी हो साइड में. आई थिंक मैंने इसको अपने जनवरी फेवरेट्स में आपको दिखाया था, स्प्लर्ज ऑफ द मंथ में. सो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट यू गाइस कैन सी इससे मेरे फेस की बिल्कुल ऐसे स्नैच्ड वाइब आ जाती है. यहाँ पे भी बहुत सुंदर ऐसे
मार्बलिश सॉर्ट ऑफ इफेक्ट है प्रिंट का, बिकॉज जो बुल्गरी है उनके वहाँ पे जो सरपेंटी टाइप का डिजाइन होता है, एक्सेंट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा यू नो प्रेवलेंट है उनके डिजाइन में. सो दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. इसके अंदर बहुत सुंदर ऐसे नग या फिर डायमोंटे सॉर्ट ऑफ लगे हुए हैं एंड इट इज इन अ शैम्पेन गोल्ड कलर. दिस इज वन ऑफ दोज पतले सनग्लासेस, लाइक इसका फ्रेम बहुत ही ज्यादा डेंटी है एंड हेंस ये मेरे मेकअप को बिल्कुल यहाँ से नहीं हटाता है, विच आई डेफिनेटली लव. आई फील लाइक आउट ऑफ ऑल द सनग्लासेस वारिंग द प्राडा वन, वो प्राडा ब्लैक वाला तो मुझे बहुत पसंद है. आई थिंक दिस इज द वन जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. कुछ परचेजेस आपकी लाइफ की ऐसी होती है जिनको लेने के बाद आपको मन करता है कि आप और अपने आप को स्टाइल करो एंड आपके दिमाग में ना चीजें आती रहती है, अच्छा मैं इसको इस चीज के साथ पहनूंगी, उस चीज के साथ पहनूंगी. दैट इज वॉट हैपेंड विद मी. डेफिनेटली फैंसियर देन एवरीथिंग दैट आई बॉट. नाउ कमिंग टू अ वेरी स्पेशल एंड अ मिनी प्यारा सा लग्जरी गिव अवे. सो लास्ट ईयर भी मैंने किया था एंड इस साल भी, इवन दो वैलेंटाइंस डे जा चुका है, इट इज अ लेट वैलेंटाइंस डे गिव अवे फॉर यू गाइज फॉर माई क्वर्की स्क्वाड. वन ऑफ यू विल गेट अ चांस टू विन अ लग्जरी सनग्लास अंडर द बजट ऑफ 20,000. सो आप 20,000 की रेंज के अंडर कुछ भी चूज कर सकते हो जब आप गिव अवे जीतोगे एंड आई विल गेट इट फॉर यू, आई विल गेट इट शिफ्ट फॉर यू. अगर आप दिल्ली में रहते हो तो हम लोग साथ में भी जा सकते हैं शॉपिंग करने, इट विल बी अ होल थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज बी अ सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है @thatquirkymiss एंड ऑल्सो नीचे कॉमेंट करके बताना है वॉट इज योर फेवरेट लग्जरी ब्रांड. अगर आपने उनसे कुछ लिया है, नहीं लिया है, डजेंट मैटर. कौन सा ब्रांड कॉल्स आउट योर नेम एंड इनमें से कौन सा चश्मा मेरे पे अच्छा लगा. सो दो क्वेश्चन है, फेवरेट लग्जरी ब्रांड, कौन सा चश्मा मेरे पे सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था. दीज आर द रूल्स, वेरी सिंपल, एंड विनर्स विल बी अनाउंस्ड इन द नेक्स्ट वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो गेट सेट गो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सब्सक्राइब, हिट द बेल बटन. आई अपलोड अ न्यू वीडियो एवरी ट्यूसडे एवरी फ्राइडे सुबह सुबह 11 बजे. आई एम ट्राइंग टू बी सुपर रेगुलर ऑन शॉर्ट्स एज वेल. अब आगे जाके आपको बहुत अच्छे अच्छे इंटरनेशनल ट्रिप के ब्लॉग्स मिलने वाले हैं. पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था आई एम गोइंग समवेयर एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू टेक यू गाइज अलॉन्ग विद मी एंड क्वर्की फैमिली. गिव अवे में पार्टिसिपेट करना हो या ना करना हो, प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. I share a lot of my life there and I am sure you guys will enjoy it. Apna dhyan rakhna, khush rehna and I will see you guys next time. Bye bye.